नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों या संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया और न्यायालय ने घोषणा की कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जो है जारी करेगा। लेकिन इस पूरे बुलडोजर एक्शन के बाद कई राजनेताओं के बयान भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की घर गृहस्थी आती। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। वहीं मायावती भी पीछे कहां हटने वाली थी। मायावती ने भी एक्स पर कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया। बीएसपी चीफ मायावती ने आगे कहा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब मां सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानून के तहत भी निपटाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनधिकृत निर्माण को भी कानून के अनुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए और राज्य के अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते। पीठ ने टिप्पणी की कि न केवल आरोपी का बल्कि दोषी के घर का भी ऐसा ही हश्र नहीं हो सकता। बता दें कि मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों से दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जाना चाहिए क्योंकि उसके मालिक कब्जाधारी पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और जिस तरह से राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर के, क्योंकि देखा जाए जब भी बुलडोजर एक्शन की कहीं पे भी कुछ भी बात होती है तो जो विपक्ष है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन क्यों, अपराधी की सजा जो है वो पूरा परिवार क्यों भुगत रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, क्या लगता है बुलडोजर एक्शन सही है या फिर गलत है, जिस तरह के राजनेता भी सवाल उठा रहे हैं उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।